उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में दो अज्ञात युवकों द्वारा दिन दहाड़े मंदिर परिसर में शराबखोरी करने का वीडियो सामने आया है। गौर करने वाली बात यह है कि पूरे मंदिर में दर्जनों सीसीटीवी कैमरा, 200 से ज्यादा पुलिसकर्मी और 300 से ज्यादा मंदिर कर्मचारी होने के बावजूद भी यह दो युवक मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं के बैठने की जगह पर शराब लेकर कैसे पहुंच गए और सरेआम शराब पीते नजर आए। वीडियो सामने आने के बाद पूरे मंदिर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर मंदिर की ये वही जगह है जो करीब 6 माह पहले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए खाली कराई गई थी। श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म जो करीब 6 माह का कब्जा हो गया है। हालत ये है कि दिन में ही यहाँ बैठकर लोग शराब पीते नजर आ रहे हैं। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें मंदिर की इस जगह पर दो युवक बैठकर बड़े इत्मीनान से शराब पी रहे हैं। खास बात तो यह है कि दिन में ही हो रहे इस कृत्य की ओर मंदिर समिति और पुलिस विभाग किसी का भी ध्यान नहीं है। पूरे मामले में मंदिर परिसर से ये वीडियो सामने आया है। अब देखना यह है कि क्या महाकाल मंदिर प्रशासन और मंदिर से जुड़े आला अधिकारी इन शराबियों तक पहुंच पाते हैं या मंदिर परिसर में यूं ही लापरवाही जारी रहेगी और इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे। INC 24 न्यूज के लिए उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।